नमस्कार दोस्तों, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, आपने इस योजना के बारे में बहुत सुना होगा और हो सकता है आपने इस योजना के बारे में न सुना हो, लेकिन ऐसा जरूर सुना होगा कि कोई एक सेंट्रल गवर्नमेंट की योजना है जिसमें 35% तक सब्सिडी मिलती है और वो सब्सिडी बड़े आसानी से आपके खाते में आ जाती है। उसके लिए आपको कोई जद्दोजहद नहीं करना पड़ता। ये बातें आपने सुनी होगी दोस्तों। 1 जून 2022 से इस योजना में बहुत परिवर्तन किया गया और इसके पहले पीएमईजीपी के ऊपर जो मैंने पहला वीडियो, इसका पिछला वीडियो मैंने दिया है, उसमें मैंने आपको बताया है कि जो सर्विस सेक्टर में पहले 10 लाख तक की योजना थी, उसे अब नई गाइडलाइंस के हिसाब से 20 लाख तक आप अपना प्रोजेक्ट डाल सकते हैं। मैन्युफैक्चरिंग में जो प्रोजेक्ट की सीमा थी 25 लाख की अधिकतम, उसे अब 50 लाख कर दिया गया है। कैटेगरीज, पहले एससी एसटी और ओबीसी को जो है 35% सब्सिडी मिलती थी, लेकिन अब कैटेगरीज में परिवर्तन किया गया है। जनरल कैटेगरीज और स्पेशल कैटेगरी, स्पेशल कैटेगरी में एससी एसटी ओबीसी, महिला, कोई भी महिला, जनरल की भी हो सकती है, और माइनॉरिटीज, जितने भी प्रकार के माइनॉरिटीज जो जातियां हैं भारतवर्ष में, वो अगर आप उस माइनॉरिटी में आते हैं तो आप स्पेशल कैटेगरी में आएंगे। दो फायदे हैं स्पेशल कैटेगरी के। पहला फायदा यह है कि केवल 5% खुद का पैसा लगा करके बाकी पैसा बैंक से लोन मिल जाता है और सब्सिडी आ जाती है। दूसरा फायदा कि स्पेशल कैटेगरी को 35% का आपको सब्सिडी है, जबकि जनरल कैटेगरी को 25% की सब्सिडी है। इन सब बातों को डिटेल में मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको बता चुका हूं। मैं आज के इस वीडियो में पिछले वीडियो की लिंक शेयर कर रहा हूं, आप देखिएगा। आप उस वीडियो को सुनने के बाद भी आप ये वीडियो पूरा देखेंगे तो आपको चीज़ें ज़्यादा अच्छे ढंग से क्लियर होंगी। अब आज जो हम चर्चा कर रहे हैं वो किस बात पर कर रहे हैं, उस पर चर्चा करने के पहले मैं एक जनरल बात आपसे करना चाहता हूं। कोई भी व्यक्ति यदि व्यापार स्टार्ट करता है तो क्या वो प्रोग्रेस करने के लिए करता है? ये मेरा आपसे सिंपल क्वेश्चन है। यस, आप कोई भी व्यापार शुरू करेंगे, कोई भी बिजनेस शुरू करेंगे या कोई भी सर्विस सेक्टर में आप काम शुरू करेंगे तो आप चाहेंगे कि आपकी 2 से 3 साल के अंदर आपका वो व्यवसाय अच्छा हो जाए, आपको उसमें लाभ मिलने लगे और आप इनकम टैक्स जीएसटी के रिटर्न्स भी भरें, आप उस लेवल पे आ जाएं। और किसी भी व्यापार में अगर 3 से 5 साल के अंदर आप सफल हो जाते हैं तो आपको क्या लगता है, उस व्यापार को और एक्सपांड करना चाहिए? दोस्तों, भारत बदल रहा है, हमारा देश और हमारे देश का युवा वर्ग खासकर उड़ान भरने की तैयारी में है, तो क्या आप भी उसमें शामिल हैं? जी हाँ दोस्तों, आप भी उसका एक हिस्सा हो सकते हैं। हमारे देश को अगर आप बहुत ऊंचे स्थान पर देखना चाहते हैं तो उस स्थान पर पहुंचाने वालों में आप भी शामिल हैं, आप भी शामिल होंगे, आप भी शामिल हो सकते हैं। आज जो वीडियो हम बनाएंगे, जिस कंटेंट की हम चर्चा कर रहे हैं, वो है क्या हम हमारे व्यापार को अपग्रेड करने के लिए इस योजना के तहत लोन ले सकते हैं या हम कोई एडिशनल लोन ले सकते हैं यदि हमने इस योजना के तहत पहले कभी लोन लिया है। जी हाँ दोस्तों, यदि आपने पूर्व में आज से 2 साल 5 साल पहले प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम के तहत, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत किसी योजना में, इस योजना में अगर आपने कोई प्रोजेक्ट सैंक्शन किया है, करवाया है, कोई लोन लिया है, सब्सिडी ली है, तो आपको अगर इस यूनिट को अपग्रेड करना है, अपने व्यापार को अपग्रेड करना है, तो आपको एडिशनल इस योजना के तहत आपको लोन मिल सकता है। ये जो नई गाइडलाइंस है, इसकी एक सबसे बड़ी खूबसूरती ये है। लेकिन उसके लिए क्या कंडीशंस है? कुछ कंडीशंस है
तीन कंडीशंस हैं, उसके बारे में मैं आपको चर्चा करूंगा। पहली कंडीशन ये है कि जो लोन आपने पुरानी पीएमईजीपी योजना के तहत लिया था उसकी सब्सिडी आपकी एडजस्ट हो चुकी है आपके बैंक लोन खाते में। नंबर टू, दूसरी कंडीशन ये है कि आपने उस लोन का रीपेमेंट समय सीमा के अंतर्गत किया है। और तीसरी जो कंडीशन है वो बहुत महत्वपूर्ण है, जो कि हमारी सोच से संबंधित है। अक्सर मैंने अपने प्रोफेशन में ये देखा है कि जो लोग सब्सिडी की योजनाओं के अंतर्गत लोन लेते हैं वो सब्सिडी पाने के लिए लोन लेते हैं। वो अपना टर्नओवर नहीं दिखाते, वो जीएसटी नहीं भरते, सेल्स टैक्स नहीं भरते, इनकम टैक्स रिटर्न्स में उस यूनिट से उतना प्रॉफिट नहीं दिखाते जितना उन्हें दिखाना चाहिए या जितना उन्हें होता है। जो तीसरी कंडीशन है वो ये है कि आपकी यूनिट प्रॉफिट मेकिंग यूनिट होना चाहिए, और प्रॉफिट मेकिंग यूनिट होना चाहिए, और जब से आपने वो यूनिट लगाई है क्या आपके जो पेपर्स हैं, आपके जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, बैलेंस शीट है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है पिछले 3-5 सालों का, क्या उसमें प्रतिवर्ष ग्रोथ हो रही है, वृद्धि हो रही है? उगते सूरज को हर आदमी सलाम करता है और जीतने वाले घोड़े पर ही दाव लगाए जाते हैं। बैंक आपको तभी लोन देगी जब आपकी यूनिट प्रॉफिट मेकिंग यूनिट है। दूसरी बात, आपका आप अगर एक फ्यूचर ग्रोथ का आपका प्लान क्या है, आप अगर लोन लेंगे इसमें एडिशनल लोन अगर आपको चाहिए, एडिशनल सब्सिडी अगर आपको चाहिए इस योजना में अपग्रेड करने के लिए आपके प्लांट को, आपकी सर्विस यूनिट को, तो क्या आपका प्लान है नेक्स्ट 5 ईयर्स में आप किस तरीके से अपनी यूनिट को आप ग्रोथ देंगे, आपका ग्रोथ का क्या प्लान है, ये आपको बताना पड़ेगा। और ये आप अपने प्रोजेक्ट रिपोर्ट में बता सकते हैं। फिर आप जो भी काम कर रहे हैं उसको आप मॉडर्नाइजेशन करने के लिए अपग्रेड किस तरीके से करना चाहते हैं। तीसरी बात कि आप क्या कोई टेक्नोलॉजी में परिवर्तन करना चाह रहे हैं, क्या आप किसी नई तकनीक का इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, तो वो तकनीक क्या है और उसको अपग्रेड करने के लिए आपका इन्वेस्टमेंट कितना होना है, और उस इन्वेस्टमेंट करने के बाद आपको क्या ग्रोथ मिलेगी, क्या फायदा मिलेगा, आपका प्रॉफिट कितना बढ़ेगा। तीन कंडीशंस हो गए दोस्तों कि पुरानी सब्सिडी आपकी एडजस्ट हो जाए, दूसरा जो लोन है आपने पुराना लोन टाइम पे रीपेमेंट किया है, और आपकी एक प्रॉफिट मेकिंग यूनिट होना चाहिए, मॉडर्नाइजेशन और टेक्नोलॉजी के लिए आपका अपग्रेडेशन का क्या प्लान है, और आपका फ्यूचर ग्रोथ प्लान क्या है। ये तीन कंडीशंस आपकी अगर होगी तो ही आपको आपको एडिशनल आपको अपग्रेडेशन के लिए इस योजना के तहत लोन मिल सकता है। दूसरी बात, इसमें सब्सिडी कितनी है। अब इसमें कैटेगरी को रखा नहीं गया है कि स्पेशल कैटेगरी और स्पेशल कैटेगरी और जनरल कैटेगरी के लिए अलग अलग मार्जिन और परसेंटेज हो या उनको सब्सिडी अलग अलग हो, ये नहीं किया गया है। मार्जिन 10% कोई भी कैटेगरी में हो, जनरल हो, ओबीसी हो, वुमेन हो, मैन हो, कोई भी हो, उसको 10% मार्जिन लगाना पड़ेगा, बाकी पैसा उसको लोन मिलेगा। और सब्सिडी 25% और 35% नहीं है, सीधी 15% सब्सिडी आपको मिलेगी, 10% मार्जिन होगा, और हिली एरिया में अगर है तो वो 20% कुछ नोटिफाइड हिली एरियाज इंडिया के हैं वहां पर 20% सब्सिडी है, अदरवाइज 15% सब्सिडी। जनरल आप ये समझिए कि 10% आपको मार्जिन देना है, 15% आपको सब्सिडी मिलेगी। तो ये एक बहुत बड़ी बहुत बहुत खूबसूरत इसमें परिवर्तन इस योजना में नई योजना नई गाइडलाइंस के साथ किया गया है, जो कि आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। पीएमईजीपी में ही हम आने वाले दिनों में 1-2 वीडियोस के साथ और आएंगे, जिसमें बहुत सारी परेशानियां क्या आती हैं, एंटरप्रेनर को क्या दिक्कतें आती हैं, बैंक से क्या दिक्कतें आती है, कौन कौन सी ऐसी यूनिट्स हैं जिसमें ये योजना एलिजिबल नहीं है, किस किस प्रकार की छोटी छोटी योजनाएं, छोटे छोटे यूनिट्स आप इसमें डाल सकते हैं, उसके कुछ एग्जाम्पल्स हम आपको देंगे, लेकिन ये आने वाले वीडियो में हम आपको देंगे। आज के लिए बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।